इसके बाद हम एक इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर पर न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए, अ हाफ वेव रेक्टिफायर यूजेस अ 5:1 ट्रांसफार्मर, 5:1 ट्रांसफार्मर यूज किया जा रहा है, एंड अ डायोड विद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया डायोड का, दैट इज RF। इफ द प्राइमरी AC वोल्टेज इज 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, प्राइमरी AC वोल्टेज दिया है, एंड लोड रेजिस्टेंस इज 500 ओम RL दे दिया, देन कैलकुलेट आपको निकालना है IDC, VDC, AC आउटपुट करंट एंड वोल्टेज, एफिशिएंसी, PIB एंड रिपल फ्रीक्वेंसी। तो 5:1 जो दिया हुआ है ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो है बेसिकली, है कि जो प्राइमरी में है वो टर्न्स 5 टाइम्स हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी, या कह सकते हैं आप जो सेकेंडरी में टर्न्स हैं वो 5 गुना कम है, प्राइमरी में 5 गुना ज्यादा है, समझ सकते हैं इस चीज को। जैसे अगर यहां 500 टर्न है इसका मतलब यहां पर 100 टर्न होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर जो वोल्टेज है जो टर्न कम हो गए तो उससे वोल्टेज भी निर्भर करेगा उस पर, तो यहां टर्न्स ज्यादा होंगे ज्यादा वोल्टेज है, कम टर्न्स होंगे तो कम वोल्टेज होगा। तो ये वोल्टेज है ये 5 टाइम्स होगा यहां पर जो वोल्टेज है उसके, तो यहां पर वोल्टेज आपको निकालना है सेकेंडरी में, तो उसके लिए क्या करना होगा, इस वोल्टेज को 5 से डिवाइड करना होगा। तो आपने इसे 5 से डिवाइड कर दिया तो जो वोल्टेज आ गया वो आ गया 44। तो ये वाला वोल्टेज है वो इस जगह पर अपीयर होगा। ऐसा क्यों किया, आपने 220 को कन्वर्ट क्यों कर लिया, इसमें डायरेक्ट AC से यूज कर लेते, वो इस वजह से किया क्योंकि जो डायोड है अगर आप ऐसा करते तो वो बहुत हाई रेटिंग के डायोड आपको रिक्वायर्ड होते हैं। अब इसमें यह है कि आप लो रेटिंग के डायोड्स हैं उनसे काम चला सकते हैं, इस केस में थोड़ी ज़्यादा पावर के हमें डायोड्स की जरूरत पड़ती है और जो हल्के डायोड होंगे वो जल जाएंगे, इस वजह से हम जल्दी ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। जो ट्रांसफार्मर होता है वो होता है स्टेप डाउन, ज़्यादा वोल्टेज है इनपुट पर और आउटपुट में कम वोल्टेज दे रहा है। तो आपने यहाँ से वोल्टेज निकाल लिया कि सेकेंडरी पर जो वोल्टेज है दैट इज 44 वोल्ट, तो RMS वोल्टेज है वो 44 है, बिकॉज जो ये वैल्यू दी थी हमें वो कौन सी दी थी, RMS ही दिया था। इफ द प्राइमरी AC वोल्टेज इज AC दिया है इसका मतलब RMS की बात कर रहा हूँ, ये RMS था तो यहाँ पे भी जो मिल रहा है वो आपको RMS मिल रहा है, लेकिन आपको पीक वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो RMS वैल्यू होती है Vm/√2, तो Vm/√2 दिया है 44, तो Vm आप निकाल सकते हैं, Vm होगा 66.2 वोल्ट, इसमें निकाल दिया तो Vm की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। Im आप निकाल सकते हैं, Im पहले से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, Im इज इक्वल टू होता है Vm/RF+RL। R2 यहां पर दिया नहीं है, R2 के बारे में कोई जिक्र किया है नहीं, सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कुछ नहीं दिया है तो हम उसे जीरो कंसीडर कर लेंगे। तो Im इज इक्वल टू Vm/RF+RL, Vm की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास है वैल्यू इसकी, RF 50 दिया हुआ है और ये RL है वो 500 दिया हुआ है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 113 mA, 113 mA यहाँ से आ जाएगा। IDC हम जानते हैं क्या होता है, Im/π, Im की वैल्यू आपको यहाँ से मिल चुकी है / π, कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 35.9 mA, क्योंकि जो 113 है वो आपका मिली एम्पियर में, तो ये भी मिली एम्पियर। उसके बाद VDC निकालना है, VDC इज इक्वल टू होता है IDC × RL, IDC आप निकाल चुके हैं, IDC 35.9 × अब इसे आपको मिली एम्पियर में लिखना होगा क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है वो ओम में दिया है, अगर किलो ओम में दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप इसे सिंपली इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन ये ओम में दिया है तो इसे आपको एम्पियर में लिखना होगा। तो 35.9 × 10⁻³ - 3 A × 500 तो ये आता है 17.9, ठीक है। इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ AC करेंट एंड वोल्टेज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ RMS वैल्यू, तो IDS RMS हो जाएगा। इसके लिए बेसिकली फॉर्मूला होता है रिपल फैक्टर इंटू IDC, ये कर लीजिए, या फिर हमने डिराइव किया था ये फॉर्मूला IRMS² - IDC अंडर रूट, ठीक है ना, IRMS² - IDC² अंडर रूट, इससे निकालना चाहें इससे निकाल सकते हैं, इससे निकालना चाहें इससे निकाल सकते हैं, तो ये जो आउटपुट में AC है उसका RMS वैल्यू निकल आएगी। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के हम जानते हैं उसके लिए रिपल फैक्टर होता है वो 1.21 होता है, तो 1.21 × 35.9, ये दोनों चीज़ हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हमारे पास IDC है तो आप डायरेक्टली इसे यूज करिए।
क्यों, इस केस में आपको आई आर एम एस भी निकालना पड़ेगा। मैं आई आर एम एस नहीं निकाला है तो हम इसे यूज कर रहे हैं। ऐसे ही वी डी एस आर एम एस आप निकाल सकते हैं, रिपल फैक्टर इंटू वी डी सी। सिंपली आपने रिपल फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया तो उससे एसी कंपोनेंट आ जाएगा। रिपल फैक्टर हम निकाल इस चीज के लिए रहे थे कि वो बताएगा कितना स्ट्रेंथ है एसी कंपोनेंट का, तो रिपल फैक्टर का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो रिपल फैक्टर या फिर एक ये फॉर्मूला है वी डैश आर एम एस इक्वल टू आई डैश आर एम एस, आप यहाँ से निकाल चुके होंगे, उसे यूज कर सकते हैं इंटू आर एल, सेम वैल्यू आएगी उससे। तो 1.21 इंटू 17.9 वोल्ट तो यह आ जाता है 21.6 वोल्ट। उसके बाद इफिशियंसी निकालनी हमें, इफिशियंसी इज इक्वल टू 40.5 इंटू आर एल अपॉन आर एफ प्लस आर एल। आर एल आपको दिया है 500 अपॉन आर एफ 50 प्लस 500, तो आता है 36.8%। तो इसकी एफिशिएंसी आई, जो हमने इसकी एफिशिएंसी निकाली थी 40%, बेसिकली 40.5 जो निकाली थी वो आइडियल केस में था, जब फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वो जीरो है। ये तो आप देख रहे हैं यहाँ प्रैक्टिकली जो है फ्रीक्वेंसी वो इसकी एफिशिएंसी वो कम आ रही है। पीक इनवर्स वोल्टेज वी एम हम जानते हैं, तो वी एम हम निकाल चुके हैं, 62.2 वोल्ट होता है। रिपल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 50 दिया है, जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है वही आउटपुट फ्रीक्वेंसी और रिपल फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये हो जाएगी 50 हर्ट्ज। आई थिंक हाफ वेव रेक्टिफायर आपको समझ में आया होगा, इस न्यूमेरिकल से सारी चीज़ें और क्लियर हुई होंगी। थैंक यू।